देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सफेदों विधानसभा में कार्यकर्ताओं की एक लंबी सूची है। इस सूची में एक नाम नारायण दत्त शर्मा का भी है। नारायण दत्त शर्मा भी सफेदों विधानसभा में अपनी दावेदारी रखते हैं और गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियां लोगों तक पहुंचाते हैं। हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार एक बार फिर और सफेदों विधानसभा में इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रथ पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा में पहुंच रहा है और आज यह रथ सफेदों विधानसभा में पहुंचा। संकल्प पत्र रथ के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और एक पत्र लिखकर बॉक्स में डाला जाता है जिसमें लोगों की समस्याएं होती हैं, जिसके द्वारा लोगों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखा जाएगा और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हर विधानसभा में यह रथ 3 दिन लगातार घूमता रहेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नारायण दत्त शर्मा ने क्या बताया, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, कल सफेदों विधानसभा में, सफेदों शहर में हम गांव-गांव गए थे और जैसे कि आज मुआना मंडल में पहले हम सिंगाणा गांव गए, फिर मुआना गांव में गए, फिर रोड और छोटी बड़ी पाजू अब गांव रोड में खड़े हुए हैं और लोगों की जो समस्या सुन रहे हैं, तकरीबन जनता 90% भारतीय जनता पार्टी के कार्य से खुश है। और जैसा कि हमने पूछा भी है भाई, जो 2 दिन पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 और 35 ए धारा को तोड़ करके देश हित के लिए जो कदम उठाया है उसकी पब्लिक ने बहुत सराहना की है। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो गांव में, जो मैं तो ये कहूँगा कि जो आने वाला समय है, जो हमारा 1.5-2 महीना बाकी है, जैसे कि गांव में कोई भी समस्या है, हर गांव की समस्या का निपटारा हो जाएगा और बहुत विकास कार्य हमारी सरकार कर रही है। अब की बार फौजी सरकार सफेदों विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार राजवीर शर्मा लुधाना का नारा है। इस पर नारायण दत्त शर्मा की क्या प्रतिक्रिया रही? फौजी देश की सेवा के लिए 24 घंटे जो आप देख भी सकते हो, सबसे बड़ी सेवा है जो फौजी देश के लिए 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। फौजी देश की सेवा के लिए ही बने हैं। तो राजनीति में फौजियों के लिए कोई महत्व नहीं? राजनीति में फौजी अपने आप समर्पित है देश के लिए, इससे बड़ा और क्या हुआ? जो देश के लिए समर्पित है उसका तो वैसे ही नाम होता है। संकल्प पत्र रथ के साथ पहुंचे मुआना मंडल अध्यक्ष सोमपाल रिटोली ने बताया कि हर एक आदमी के मन की बात पूछने के लिए सरकार कैसा काम कर रही है, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। आज के इस प्रोग्राम के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये संकल्प पत्र यात्रा, हर गांव-गांव हर एक आदमी के मन की बात पूछने के लिए ये संकल्प पत्र है, ये सबको सबके पास जाने के लिए, सबके मन की बात के सरकार कैसा काम कर रही है, सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं। आज ये दूसरा दिन है सफेदों विधानसभा के, आज मुआना मंडल के रोड गांव में है ये संकल्प पत्र यात्रा। हम घर घर सभी चौक चौराहे पर जाकर हर एक आदमी से संकल्प पत्र भरवाते हैं कि भाई अपना संकल्प पत्र मुख्यमंत्री जी के बारे में कैसा कार्य कर रही है, सरकार आगे कैसे चाहते हो, और कोई आप नया काम अपना सुझाव देने के लिए ये संकल्प पत्र यात्रा हर गांव-गांव हर बूथ पर जा रही है। हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 1-2-3 दिन के अंदर जो काम करके दिखाया है, धारा 370 और 35 ए का एकदम, जो श्री अमित शाह जी गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, आज तक 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आज, इसने एक बार अटल जी ने इसके बारे में सोचा था, फिर उनके पास बहुमत नहीं था, तो पूर्ण बहुमत की सरकार इसीलिए ज़रूरी है कि सब जो फैसले लेने हो तो ले सकता है। इसीलिए आगे आने वाले टाइम में अब 1-1.5 महीना इलेक्शन का अपना बाकी है, तो इस इलेक्शन से पहले सबके दुख सुख के मन की बात पूछने के लिए संकल्प पत्र यात्रा निकाली गई है। अब की बार सफेदों विधानसभा में संगठन जिस भी कार्यकर्ता को कमल का फूल लेकर भेजेगा, सभी कार्यकर्ता इस बार सफेदों विधानसभा में कमल खिलाने का काम करेंगे। कैमरा सहयोगी जोगिंदर बाबा के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी सफेदों।